राजधानी के कोतवाली थाना इलाके में बुधवार दिन दहाड़े पिस्टल की नोक पर एक हवाला कारोबारी से 46 लाख रुपए लूट कर ले जाने की वारदात घटित हुई है। वारदात की सूचना पर पुलिस द्वारा कोतवाली व आसपास के क्षेत्र में नाकाबंदी भी करवाई गई और वाहनों की जांच भी की गई। हालांकि अब तक बदमाश का कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। प्रारंभिक सूचना ये मिली है कि कोतवाली थाना क्षेत्र में कोई संभवतः हवाला कारोबारी हो सकता है, जिसके पास भारी मात्रा में कैश था और कोई एक ही आरोपी आया, जिसने कथित रूप से कोई आग्नेय शस्त्र दिखा के उसके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया है, जिसमें 45-46 लाख के आसपास का कैश उससे लूटा है और उसके मुंह पे टेप लगाकर वो पैदल ही वहाँ से निकल गया है। और ये सूचना अभी पुलिस के पास आई है और हमारी सभी टीमें मौके पर पहुँच गई हैं। जल्दी कुछ ना कुछ कार्रवाई करके आपको अवगत कराएं। किशनपोल बाजार स्थित खुटेटो के रास्ते में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। पीड़ित का नाम रोहित बताया जा रहा है, जिसको हथियार दिखाकर और उसके मुंह पर टेप लगाकर एक बदमाश द्वारा लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और फिर लाखों रुपए की लूटी गई राशि लेकर बदमाश मौके से पैदल ही रवाना हो गया। फिलहाल पुलिस बदमाश की तलाश में जुटी हुई है। जयपुर से विनय पंत, ईटीवी भारत।